अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आपका लुबना के किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ करेले गोश। देखिए, ये यहाँ पे करेले मिल गए थे, मैंने इसे काट लिया है। एक करेले में से तीन हिस्से कर लिए, ऐसे लंबे लंबे मोटे मोटे काट लिए हैं। और इसके अंदर से सब बीज बीज निकाल के मैंने थोड़ा सा नमक लगा के इसे धूप में रख दिया। और ये 1 किलो प्याज है और ये 1/2 किलो गोश्त है। अभी हम इस प्याज को काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, मैंने ये प्याज भी काट ली है और हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से लीजिए और थोड़ा सा हरा धनिया, ये सब मैंने काट के ले लिया है। गोश्त भी धो के ले लिया है और करेले भी मैंने धो लिए हैं। नमक लगा के इसे 1/2 घंटा धूप में रखना है और फिर इसे धो लेना है। आइए अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें गोश्त। देखिए, प्याज मैंने इस तरीके से मोटी मोटी काट ली है। ये 1/2 किलो गोश्त है, तो 1/2 किलो करेले हैं और 1 किलो प्याज है। अब देखिए, इसके अंदर ये सूखे मसाले हैं, ये है धनिया सूखा, साबित धनिया, और 1 चम्मच ये है, और 1/2 चम्मच सौंफ है, और मेथी दाना है, और कलौंजी है, ये सब 1/2 चम्मच। अब हम ये भी इसमें डालेंगे। फिर लिया है मैंने ये है 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और ये है अचार और उसका मसाला, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक है 2 चम्मच, 1 चम्मच है बड़ा हल्दी, ये भी हम इसमें ही डालेंगे। सब चीज़ें साफ करके ले लीजिए। फिर आया हमने गरम मसाला। ये थोड़ा सा गरम मसाला है जिसमें लौंग, इलायची, काली मिर्ची और दालचीनी और ज़ीरा है और तेज़पत्ता है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। फिर हम डाल देंगे इसमें दही है हमारे पास, 400 ग्राम दही है। अगर टमाटर, जब टमाटर मिलते हैं तो हम इसमें 2-3 टमाटर डालते हैं, तो थोड़ी दही कम डालते हैं। अब ये इसमें डाल के और फिर इसे हमें अच्छी तरह मिक्स करना है। अब देखिए, ये सब अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसमें जो हमारे करेले हैं उसे हमें इस तरीके से हमने काटे थे करेले, ये देखिए ये काटे हुए करेले हैं। अब इसमें हमें एक एक बूटी उठाइए और इसके अंदर प्याज और बूटी साथ में भर दीजिए और फिर इसे रखते जाइए इस तरीके से। ऐसे करके हमें भरना है। ये रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी सिवाय मेरे चैनल पे, क्योंकि ये हमारी खानदानी रेसिपी है, हमारी दादी और हमारी माँ की रेसिपी है। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में करके बताइए कि आपको कैसी लगती है। मेरे डैडी और मेरी मम्मी को मेरे हाथ के करेले बहुत पसंद है।
वो बार बार मुझसे कहकर बनवाते हैं। आज मैं उन्हीं के लिए ये बनाना सिखा रही हूँ। तो ये इस तरीके से आप करते जाइए और सारे करेले इसी तरह हमें करके रख लेने हैं। अब देखिए ये सब मैंने करके रख लिए हैं। अब हम इसे कुकर में चढ़ाएंगे। हमें सिर्फ नीचे प्याज ही डालनी है। आप लोग भी मेरी तरीके से बनाइए, देखिए इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगी। इस तरीके से सारी प्याज हमें, आधी से ज़्यादा प्याज हमें नीचे बिछा देनी है सब सामान में। फिर हमें इस तरीके से करेले लगाने हैं। पूरे करेले इसी तरीके से लगा दीजिए। अब देखिए ये मैंने सब करेले लगा दिए हैं और उस पर ये प्याज हम बिछा देंगे। सारी प्याज हमें इस तरीके से लगा देनी है। फिर हम डालेंगे इसमें तेल, 2-3 चम्मच भर के तेल डाल दीजिए। और इसमें ये थाली का जो थोड़ा सा पानी खंगाल के वो डालते हैं। अब ये देखिए मैंने ये धो के ले आई हूँ। थाली में थोड़ा ही सा पानी, बस इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना तो बहुत पानी हो जाएगा, क्योंकि प्याज और दही सब अपना पानी छोड़ेंगे। तो इसे ढक्कन लगा के हमें 1 घंटे के लिए, पकने के लिए इसे छोड़ना है। आधा घंटा तेज़ आंच पे, आधा घंटा स्लो आंच पे। इस तरीके से हमें ये पकाना है। अब हम पकाने के लिए इसको रखेंगे चूल्हे पे। अब देखिए मैंने इसे खोल के 1 घंटे बाद देखा तो पानी दिख रहा था, तो मैंने इसे खोल के पकने के लिए छोड़ा है। पानी सूख जाना चाहिए और तरी ऊपर आ जानी चाहिए। अब देखिए ये मैंने इसे अच्छी तरह पका लिया है। देखिए तरी भी अलग हो गई है और सूख गया है पानी भी। अब हम इसको निकालेंगे सर्विंग बाउल में। थोड़ा सा नीचे लग भी जाए तो कोई फिक्र नहीं, इसी तरह आप मेरे तरीके से बनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी डिश को लाइक कीजिए। और ये तैयार है करेले गोश। आ जाइए खाने के लिए। अल्लाह हाफिज़।